अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास. टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व योर न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर 8 दैट आर ऑन पेज नंबर 132. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गोइंग टू रीड योर न्यूमेरिकल नंबर 1. हाउ मेनी वर्क इज डन टू डिस्प्लेस हॉरिजेंटली अ बॉडी 40 मीटर बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन हुज एंगल विद द हॉरिजेंटल इज 30 डिग्री. जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो मैंने आपको थ्योरी में क्या बताया था कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर उस पर फोर्स लग रही है और वो डिस्प्लेस कर रहा है हॉरिजेंटली तो आपके पास क्या हो रहा है, वर्क इज़ डन. तो हॉरिजेंटली डिस्प्लेस होने में कोई ना कोई वहाँ पे एंगल होगा. हो सकता है एंगल आपका 0 डिग्री हो सकता है आपका एंगल 30 डिग्री हो, कोई भी एंगल आपके पास हो सकता है. तो आप क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल आपके पास 30 डिग्री एंगल है तो आप वर्क का फॉर्मूला यूज़ करेंगे W=F.S एंड W=F.S cos थीटा. Now what you will do, you will just put the value of F. 200 into S is 40 into 30 cos 30. After that what you will do, cos 30 आपके पास 0.86 इसके बराबर होता है. बाकी आपने 200 into 40 और आपने वैल्यू डाली तो आपके पास 6928 जूल्स वर्क डन होगा. यह आपका न्यूमेरिकल नंबर 1 है. Now see your numerical number 2. What is the power of an engine that pull a 1000 kg automobile at a speed, steady speed of 10 meter per second along a level road? यानी कि आपके पास एक level road है, यहाँ पे friction तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने निकालनी है power ऐसे engine की जो pull कर रहा है 1000 kg automobile को, और आपको स्पीड दे दी गई है, वेलोसिटी दे दी गई है, आपने मास लिख दिया, स्पीड यानी कि वेलोसिटी आपने लिख दी, और यहाँ पे आपके पास पावर जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है. आपको पावर का फार्मूला पता है, पावर का फार्मूला क्या होता है, P=FV. लेकिन यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी तो है लेकिन मास गिविन है, फोर्स गिविन नहीं है. अगर आपके पास फोर्स गिविन नहीं है तो यहाँ पे आपने पहले फोर्स निकालनी होगी. फोर्स आपके पास जो है वो न्यूटन का सेकेंड लॉ की इक्वेशन यानी कि F=ma. यहाँ पे एसेलरेशन जो होगी वो ड्यू टू ग्रेविटी होगी, आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस पे अर्थ सरफेस पे मूव कर रहा है. तो यहाँ पे जो आपके पास एसेलरेशन आएगी वो ड्यू टू ग्रेविटी आएगी 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1000 आपके पास फोर्स आ गई. फिर उसी फोर्स को आप पावर फॉर्मूले में पुट करेंगे, आपके पास फोर्स जो है वो 9800 मल्टीप्लाई बाय 10 आपकी वेलोसिटी थी मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी थी, उसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास पावर आ जाएगी 98,000 वॉट. नाउ सी यू क्वेश्चन नंबर 3. विद व्हाट कांस्टेंट वेलोसिटी कैन अ 1960 वॉट मोटर राइज अ मास ऑफ 100 kg. आपके पास पावर दे दी उन्होंने वॉट, वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, सो इट मीन्स दैट दे हैव गिवन यू पावर. पावर के बाद आपके पास आ जाएगा मास, मास कितना है 100 kg. वेलोसिटी अभी फिलहाल आपके पास फाइंड आउट करनी है आपको, तो वहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क डाल दिया. एज वी नो दैट पावर जो है वो प्रोडक्ट है किसका, फोर्स एंड वेलोसिटी का. लेकिन इस क्वेश्चन में भी सेम लास्ट वाले न्यूमेरिकल की तरह आपके पास फोर्स गिविन नहीं है. फोर्स गिविन नहीं है तो आप क्या करेंगे, पहले आपको फोर्स निकालनी होगी तभी आप पावर के फॉर्मूला यूज करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं. तो फोर्स जो है वो बराबर है एम ए के, और यहाँ पे एक्सीलरेशन जो है वो आपकी ड्यू टू ग्रेविटी है. तो आप ये लिख सकते हैं कि ए जो है वो बराबर है यहाँ पे जी के. तो यहाँ पे आपकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगी जो आप 9.8 लिखेंगे. बाकी तमाम वैल्यूज पावर की और मास की वही हैं जो आपको क्वेश्चन में गिवन है. अब 1960 डिवाइडेड बाई 980 यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड. नाउ इफ यू जस्ट सी योर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, अ बॉय ऑफ मास 50 kg ऑन मोटर बाइक इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज हिज काइनेटिक एनर्जी. मास आपको गिवन है 50 kg, वेलोसिटी जो है वो कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है. तो एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ½mv², मास 50 kg, 50 लिख देंगे, वेलोसिटी आपके पास 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे एंड हाफ विल रिमेन एज इट इज. देन यू हैव टू जस्ट सॉल्व पुटिंग द वैल्यूज इन द कैलकुलेटर, यू हैव टू सॉल्व इट. आप कैलकुलेटर में वैल्यूज डालकर सॉल्व करेंगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 10,000 जूल्स.
Now, see your question number 5. In your question number 5, they are asking that what is the potential energy? What is the potential energy stored by a car of weight 2000 Newton when lifted 50 meters straight up? आपके पास जो एनर्जी आती है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वो होती है आपके पास बाय द वर्च्यू ऑफ पोजीशन दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी का एंड वर्क का एंड आपके पास काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बोथ का यूनिट सेम होता है तो अब आप क्या करेंगे W आपके पास आ गया है 2000 न्यूटन हाइट आपके पास आ गई है 50 मीटर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है MgH सो Mg इज ऑलवेज इक्वल्स टू वेट So, in place of mg, you can easily write weight. They have given you weight in the question. So, you will write weight in the solution. In place of mg, then you have to put the value 2000 into 50. So, you will get your answer 100,000 joules. आपके पास kinetic energy हो, potential energy हो, और वर्क हो ये तमाम जो है इनका सेम यूनिट होगा जो कि आपके पास आएगा जूल मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 अ बॉय इज पुश्ड अ बॉक्स इज पुश्ड 5 मीटर अक्रॉस अ लेवल सरफेस बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन हाउ मच वर्क इज डन ऑन द बॉक्स आपके पास यहाँ पे एस आ जाएगा 5 मीटर एंड एफ आ जाएगा 200 न्यूटन एंड W भी आपको नहीं पता आपको वेट जो है वर्क निकालना है यहाँ पे W आपका वेट नहीं है वर्क है आप ये मत समझिएगा ये W दिखा हुआ तो भाई वेट है वेट नहीं है यहाँ पे वर्क है तो वर्क का फॉर्मूला आपके पास एफ एस कर लें एफ डॉट डी कर लें आपके ऊपर डिपेंड करता है S लिखना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट की जगह S लिख सकते हैं D लिखना चाहते हैं D लिख सकते हैं बाकी आपके पास W इक्वल्स टू F फोर्स गिवन है आपके पास 200 न्यूटन एंड S इज ऑल्सो गिवन देन यू हैव टू जस्ट पुट इन द फॉर्मूला And after putting the formula, you have to just do the calculation in your calculator, so you will get your answer 1000 joules. Now see your last question, question number 7. आपको question number 8 फिलहाल जो है वो नहीं कराया जा रहा है वो इसलिए क्योंकि आपको question number 8 आपके syllabus में शामिल नहीं है वहाँ पे जो है वो law of conservation of energy आएगी जो कि आप लोगों को टॉपिक नहीं पढ़ाया गया कि कैसे kinetic energy potential energy में convert होगी और potential energy kinetic energy में convert होगी फिलहाल now see your last one question that is your question number 7 what is the kinetic energy of 2000 kg car traveling at 90 km per hour तो यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर आपको क्या करना है किलोमीटर को मीटर में चेंज करना होगा मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइड बाय आवर दैट इज 3600 देन यू हैव टू जस्ट सॉल्व इट एंड आपके पास 25 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा मास आपके पास 2000 kg गिवन है फिर आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करना है उसके अंदर वैल्यू डालने दी है मास 2000 एंड वेलोसिटी 25 स्क्वायर आफ्टर दैट यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट एंड यू विल गेट योर आंसर Kinetic energy equals to 625,000. If you just read it properly, so it will be 625,000 joule is your answer. Last one question is not included, so I am not telling you that one. But till question number 7, I have told you all questions, how to solve it. But if still you have any query, you can ask in your Zoom class or you can ask personally. Thank you.